दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रजनी और एक बार फिर से तहे दिल से करती हूं आप सभी का स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। सुशांत सिंह राजपूत बीते 7 महीने से ये मामला चल रहा है, लेकिन यहां पर आज हम आप सबसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नहीं बल्कि सुशांत की उस गर्लफ्रेंड का खुलासा करने वाले हैं जिस गर्लफ्रेंड के प्यार में डूबे थे सुशांत। लेकिन सुशांत को मिला था धोखा और उसके बाद सुशांत पूरी तरह से टूट गए थे। आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन सी एक्ट्रेस ने दिया था सुशांत को धोखा, तो वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कृति सैनन थी। कृति सैनन के साथ सुशांत के प्रेम कहानी की शुरुआत हुई राब्ता मूवी के साथ, और कृति सैनन और सुशांत की इन्हीं अफेयर की खबरों ने अंकिता और सुशांत को कर दिया था एक दूसरे से दूर। ऐसे में अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी कृति सैनन को लेकर एक ऐसा खुलासा हम करने वाले हैं जिसके जानने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे। दरअसल कृति सैनन ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी एक्टिंग के सभी दीवाने हैं। कृति सैनन जिन्होंने कुछ फिल्मों के चलते ही अपना करियर बना लिया, लेकिन ऐसे में कृति सैनन को लेकर आई एक ऐसी खबर जिसने सिर्फ सुशांत नहीं बल्कि कई लोगों को हैरान कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि राब्ता मूवी में कृति सैनन को सुशांत से प्यार हुआ था, लेकिन यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं आपको सच कि सुशांत सिंह राजपूत से पहले कृति सैनन को था 53 साल के एक ऐसे एक्टर से प्यार। उनका वो क्रश थे जिस पर दीवानी थी कृति सैनन। अब कौन था वो शख्स 53 साल का जिसके प्यार में थी कृति सैनन दीवानी, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कृति सैनन दरअसल असल में टाइगर श्रॉफ या फिर सुशांत सिंह राजपूत को अपना क्रश नहीं मानती थी, बल्कि कृति सैनन के सबसे पहले क्रश तो सलमान खान थे। जी हां, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में इतना अच्छा मुकाम हासिल करना काफी कठिन होता है, लेकिन कृति सैनन ने अपनी अलग पहचान बनाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में। बता दें कि कृति सैनन जिनका जन्म 27 जुलाई 1990 को दिल्ली में हुआ था। कृति सैनन 29 साल की हो चुकी है और कृति सैनन की पढ़ाई भी दिल्ली से ही हुई। कृति ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कृति सैनन एक्ट्रेस के साथ मॉडल भी है और कई कंपनी जैसे कोलाज, एप, सैमसंग, कई सारी कंपनीज में काम कर चुकी है। कृति ने फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कृति और टाइगर श्रॉफ की पहली ही फिल्म हीरोपंती को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। लोगों ने इस फ्रेश जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया था और फिल्म के लिए कृति को बेस्ट डेब्यू के लिए अवार्ड भी मिला था। इसी के साथ हिंदी सिनेमा में कृति सैनन की जबरदस्त अदाकारी को देख फैंस कृति के दीवाने हो गए और इसी के साथ कृति ने एक के बाद एक कई सारी फिल्में की। बता दें कि कृति सैनन ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुद खुलासा किया था कि वो दबंग सलमान खान की काफी बड़ी फैन है। साथ ही कृति सैनन ने ये भी कहा था कि वो सलमान खान को अपना पहला क्रश भी मानती हैं। वो स्कूल के दिनों से ही सलमान खान की फैन थी। कृति के एक्शन हीरो टाइगर के साथ डेब्यू था, वहीं उनका नाम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जुड़ा था, लेकिन वो असल में टाइगर और सुशांत को अपना क्रश नहीं मानती बल्कि कृति सैनन का पहला क्रश तो सिर्फ सलमान खान ही है। बता दें कि कृति सैनन सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहती है और अपने से जुड़ी हर एक वीडियो अपने फैंस के साथ भी शेयर करती है। बता दें कि खाली वक्त में कृति सैनन अपनी बॉडी पर ध्यान देती है और फिट रहने की कोशिश भी करती है। यहाँ तक कि कृति सैनन खाली समय में खाना बनाना, किताबें पढ़ना और मेडिटेशन करना पसंद करती है। ये है कृति सैनन की पूरी खबर, जहाँ पर कृति सैनन का पहला क्रश थे 53 साल के सलमान खान, जिन्हें कृति सैनन करती है पसंद, और ये है सलमान खान कृति सैनन के पहले क्रश। नेक्स्ट नाइन लाइफ से रजनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट कृति सैनन को लेकर, जहां पर कृति सैनन को लेकर आई खबर कि कैसे कृति सैनन सुशांत नहीं बल्कि 53 साल के एक्टर के प्यार में थी दीवानी, और उस 53 साल के एक्टर था उनका पहला क्रश जिसके लिए कृति सैनन थी पागल और चाहती थी उस एक्टर के साथ फिल्म भी करना, जिसका खुलासा हमने कर दिया है हमारी रिपोर्ट में। ऐसे ही कई और तमाम खबरें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी है, और सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उन सभी चीजों पर अब खुलासा हो रहा है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।